आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार विकलांग पेंशन के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत होगी। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो बिहार विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका कम्प्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आके ओपन हो सकते हैं। ये देख रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग की ओर से ये स्कीम चलाई गई है, विकलांग पेंशन योजना, तो आप इससे आप लाभ ले सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन है, इसको आपको रीड कर लेना है। यहाँ देख रहे हैं कि आप जो शारीरिक या मानसिक रूप से आपको 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए और आपको 10 वर्ष कम से कम बिहार राज्य के निवासी हो, उसी को ये लाभ मिलेगा। और उसको लाभ मिलेगा कितना, 400 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी। मतलब आपको कह रहा है कि आपको कम से कम आपको 40% इसका विकलांग होना चाहिए, 10 वर्ष तक आपको जो है बिहार का निवासी होना चाहिए और तब आपको यहाँ पे 400 रुपया प्रति माह मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर कुछ गाइडलाइन है, इसको आपको रीड कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ जरूरी दस्तावेज, यहाँ पर आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, रंगीन फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र और यहाँ पे विभिन्न प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, एक बैंक पासबुक आपको होना चाहिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आपको आवेदन करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर कोई लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यह इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको उस पर आपको यहाँ पे ओपन होके आप आ जाते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे देखिए आपका जो ये वेबसाइट ओपन होके आ गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन है खुद का पंजीकरण करें, इस पर आपको खुद का पंजीकरण करें पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको फुल नाम डालना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एक डाल देना है, तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो चलता हो, डेट नहीं हो, क्योंकि इस पर एक ओटीपी आएगा और एक ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा, तो वो ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके पास हो, चलता हो। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, स्पेशल करेक्टर, यहाँ पर एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, यहाँ पर स्पेशल करेक्टर और नंबर होना चाहिए जो आप यहाँ पर हिंट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज कर लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 करेक्टर से 15 करेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेना है, जो भी स्टेट से हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। यह कैप्चा है, यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और यह मोबाइल नंबर है, इस पर आपको ओटीपी भेजा गया है जिसका वैलिड टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर में आपको इसको वेरीफाई कर लेना है, नहीं तो ये देख रहे हैं 48 घंटा के लिए एक्टिव नहीं होगा और फिर आपको 2 दिन के बाद आपको चालू करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ मेल आईडी में, यहाँ देखिए मेरे मेल आईडी में यहाँ पर आया हुआ। इस तरीके से हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ देखिए मेरे ओटीपी है। इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है या आपको इसको लिख के वहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर वो ओटीपी डालना है, मोबाइल में जो आया होगा वो आपको यहाँ पर डाल के यहाँ वैलिडेट वाला पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। मोबाइल पर जो आया होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मोबाइल वाला भी डाल देना है। यहाँ पर देखिए ये एक्टिव हो चुका है, इसके बाद मोबाइल वाला जो है आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल वाला डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ये भी आपको यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ वैलिड वाले पर क्लिक कर देना है। देखिए ये मेरा दोनों एक्टिव हो चुका है। आपको यहाँ पर वैलिड वाले पर आपको इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, मतलब अब जो है यहाँ पे आप रजिस्टर हो चुके हैं, अब यहाँ से आप जो है जाके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके, जैसे मेरी वेबसाइट है इस पे जाके आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका है, पासवर्ड सेट हो चुका है। चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ से इसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, जो ईमेल आईडी है वो डालिए और पासवर्ड जो सेट किए थे वो पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा आप कैप्चा इसमें डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले पर क्लिक कर देना है।
लॉगिन करते ही आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देखिए आपका नाम आ चुका है, यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर सर्विस है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में नया पेज ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इस सर्च बॉक्स में आपको टाइपिंग कर देना है पेंशन। यहाँ पेंशन टाइपिंग करते ही यहाँ पे आप देखने को ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ देख रहे हैं योजना का नाम, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा योजना मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, यहाँ पर लक्ष्मी बाई का है, इंदिरा गांधी यहाँ पर राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन है। तो यहाँ पर आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ बिहार राज्य निःशक्त पेंशन योजना, मतलब डिसेबिलिटी के लिए, तो इसको मैं चूज करूँगा। यहाँ पर देखिए वही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ 40% आपको यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 10 साल आप बिहार के निवासी होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना, ये छोटा सा फॉर्म है, इसको आप मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ये फॉर्म को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ जो भी एप्लीकेंट है उसका भी यहाँ पे नाम डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास जो भी पर्सन आएगा, अगर आप शॉप चला रहे हैं, अगर कोई आपके पास आता है फॉर्म भरवाने के लिए, तो आप उसको इस तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे नाम डाल देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं बाहर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट टूल का हेल्प लेंगे, और गूगल इनपुट टूल से आप यहाँ पे नाम टाइपिंग करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप डालेंगे गूगल इनपुट टूल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पहला ही जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ट्राई इट आउट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है इंग्लिश का, इस पर क्लिक करके आप जो भी लैंग्वेज में जानते हैं वो लैंग्वेज आप वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें से सेलेक्ट करिए, जैसे वहाँ पर हिंदी मांग रहा है तो यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ अपना जो भी नाम है यहाँ पे आप टाइपिंग कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजा, इस तरीके से यहाँ पर डालना है, और जो भी आप इसमें नाम आपका सही है इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके इसे कॉपी करेंगे इस तरीके से, या कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी करके आप यहाँ पर जाकर इसको इस तरीके से यहाँ जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर इंजीनियर था या राजा नहीं था, तो मैं यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर दिया। तो आपको भी इसी तरीके से अगर इसमें आपको नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प से आप इसको यहाँ पर ला के पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका लिंक का, जो भी लिंक इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपका सीरी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर में से चूज कर लेना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये कैलेंडर में जाएंगे और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करते हैं, यहाँ पे ईयर आपका जो है एज है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना, जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए जैसे आप आधार नंबर डाले हैं, आपको कुछ इस तरीके से एग्री के लिए बोल रहा है, यहाँ पे एग्री वाले पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, इसके बाद आपको यहाँ मदर का नाम डालना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट कर ले हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कोई हस्बैंड है, या अगर आपको कोई लेडीज भर रहा है तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ आ जाएगा, या उसका पति का नाम यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका वोटर आईडी नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो वोटर आईडी नंबर है। इसके बाद यहाँ वोटर आईडी पर जो नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ कैटेगरी में से अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, आप एससी एसटी है, ओबीसी है, तो जो भी आप इसमें से चूज कर लें। जैसे मैं यहाँ ईबीसी हूँ, यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना पहचान यहाँ पर डालेंगे, मतलब आपके बॉडी पर कोई काटा फटा या कोई चीज़ का निशान है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। जैसे तिल का निशान होता है, कोई कटा फटा का निशान होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे बोला अल्पसंख्यक में, इस तरीके अल्पसंख्यक में यहाँ पे नो चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अगर है तो यहाँ पे यस कर लेंगे, अगर अल्पसंख्यक नहीं है तो यहाँ पे नो चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको फोटो कैमरा से क्लिक करके ले सकते हैं, या अगर आपके फोल्डर में कहीं रखे हैं, तो अगर फोल्डर में कहीं है तो फोल्डर में से आपको चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे मेरा यहाँ है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि 550 KB का, चलिए मैं कम साइज़ का वाला यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से अपना जिला चेंज
चूज कर लेंगे। यहाँ जहानाबाद है, यहाँ समस्तीपुर है और सीतामढ़ी, तो यहाँ पर तीन जिले के लिए यहाँ भरे जा रहे हैं। तो आप जो भी जिले से हैं तो वो जिले को आपको यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ सीतामढ़ी चूज कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी जिले से है वो चूज कर लेना। यहाँ पे अनुमंडल चूज कर लेना है, चलिए मैं यहाँ पे अनुमंडल चूज कर लेता हूँ पुपड़ी। इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक चूज कर लेना है, जो भी ब्लॉक है तो आपको यहाँ ब्लॉक चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ बाजपट्टी, तो आपको यहाँ भी डाल देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तीन ही जिला के लिए भरा जा रहा, तो आपको अदर जिला के लिए अगर है तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तीन जिला के लिए यहाँ भरा जा रहा, तो आप अगर उस जिला में से हैं तो आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नगर टाउन देना है, तो आप जो भी नगर टाउन हो यहाँ पर डाल देना है, घर डाल देना है, पिन कोड जो भी है यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो इसके बाद ग्राम पंचायत या नगर पंचायत है या नगर परिषद है या नगर पंचायत है, जो भी है इसमें से आपको इसमें से चूज कर लेना है। ये सब डालने का सिंपली यहाँ पे जो थाना है, जो भी थाना पड़ता है आपका, इसमें से आपको थाना को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ग्राम पंचायत। इस तरीके से यहाँ ग्राम पंचायत में जो भी है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, इसमें से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे ग्राम आ गया, ग्राम जो भी है, इस तरीके से यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ दिव्यंगता का प्रतिशत जो है, डिसेबिलिटी जो है उसका कितना है, वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ 40%। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि अवधि आप कब तक रह रहे हो, तो चलिए मैं यहाँ पे जो बचपन से रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 साल। इस तरीके से यहाँ पर डाल रहा है। अब यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कब तक वैलिड डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको इसे छोड़ रहा हूँ। अगर आपके पास है, अगर आप भर रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का विवरण आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे डाल देना है, इसका बैंक खाता के अनुसार जो भी है नाम को यहाँ पे डाल देना है। IFSC कोड यहाँ पे आपको डालना है, खाता नंबर डालना है, यहाँ पे खाता के जो है द्वारा से आपको यहाँ कन्फर्म करना है, बैंक का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ ब्रांच जो भी है आपको ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा विवरण यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पर क्लिक करना है। एग्री के लिए यहाँ बोला जाता है कि इसमें अगर जो भी आप कुछ भर रहे हैं वो सबसे सही होना चाहिए। अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है, अगर पैसे आप ले लेते हैं तो आपको ये पैसा वसूल लिया जाएगा। देखिए यहाँ झूठा पाया जाने पर पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को आपको बकाया की तरह मुझे वापस वसूल कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी है आपको सही डालना है। इस पर यह कैप्चा है, कैप्चा आपको इसमें फिलअप कर देना है। प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जैसे प्रोसीड वाले पर ओके करते हैं तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको जो ई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर आप इन्फॉर्मेशन आपको SMS के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो फिलअप किए हैं वो सारे के सारे आपका फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। एक बार आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। अगर लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है तो नीचे यहाँ एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसको आपको एक बार क्या करना है, अच्छी तरीके से आपको इसको एक बार रीड कर लेना है, चेक कर लेना है कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आपको नीचे जाके एडिट वाले पर जाके उसको आपको क्या करना है, एडिट करके उसको आपको सही कर लेना है। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो है सर्टिफिकेट है जो मैं आपको पहले बताया था यहाँ पे है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो विकलांग प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है और बैंक का जो पासबुक है यहाँ बैंक अकाउंट का उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप अपना जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसको आप सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन आ चुका है फाइल का, आपको इसमें अपलोड कर देना है। इसके बाद आधार कार्ड को स्कैन करा के यहाँ पे आधार कार्ड को ओके करेंगे, इसका जो भी आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराएंगे उसको आपको यहाँ पे फाइल पर चूज पर क्लिक करके आपको इसमें अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे भी यहाँ बैंक अकाउंट पासबुक का आपको फोटो कॉपी करके यहाँ पे डालना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे ओनली JPG, JPEG, PNG, PDF फाइल में आपका होना चाहिए और 1 MB से कम का होना चाहिए। तीनों यही है, तीनों का आप जो है JPG, PNG और PDF फाइल में आपका होना चाहिए और 1 MB से कम का होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे है, यह भी जो आपको है JPEG, PNG और PDF फाइल में होना चाहिए और 1 MB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ चूज फाइल है, इस पर क्लिक करके जहाँ भी फाइल है आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं तीनों फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ आ जाता है सेव एनेक्सर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा किए हैं इसको जो सेव किए हैं तो आपको यहाँ पे आ चुका है, आधार कार्ड यहाँ पे आ चुका है और बैंक जो भी पासबुक आप यहाँ पे अपलोड किए हैं वो यहाँ पे आ चुका है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी आप अपलोड किए रहिएगा वो इस तरीके से आपको पासबुक आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे
आपके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आप जो है रियल डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अपना पूरा का इस तरीके से फॉर्म भी आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सब कुछ देखने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करके इसको आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका रसीद आ चुका है और यहाँ पे आवेदन की ऑनलाइन पावती स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आवेदन का विवरण, आपका पूरा विवरण यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट करके निकाल के रख लीजिए और ये आपका जो सबमिट हो चुका है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर प्रिंट वाले पे क्लिक करके इसको निकाल सकते हैं। तो इसको प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे और अगर आपका इसमें जो अगर प्रिंटर अटैच है तो उसको आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप सेव करके रख सकते हो। यहाँ PDF फाइल में आ चुका है, यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे आप ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ डेस्कटॉप पे चूज कर लेते हैं। यहाँ मैं डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डालने के बाद यहाँ पे मैं सेव करके इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको रख लेना है और इसको भी आप जो पूरा फॉर्म है वही इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा रहा है समय सीमा के अधीन सेवा प्राप्त नहीं होने पर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आप 30 कार्य दिवस के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डेट आ चुका है यहाँ पर आपको है 9/4/2021 के डेट तक आप जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो आप पर वहाँ पे सबमिट होकर वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। अगर वहाँ पे जो है अप्रूव नहीं होता है, अगर आप पर नहीं हो पाता है, आप अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष जाकर 30 कार्य दिवस के अंदर आप इसको यहाँ पे जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप सबमिट कर देते हैं तो ये जो है आवेदन आपका वहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका स्टेटस देखने के लिए कि स्टेटस आपका क्या है, तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ फॉर्म वाले पे यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और नीचे में यहाँ पर आ चुका है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको जो भी स्टेटस है वो अपना स्टेटस बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। अपने फॉर्म का स्टेटस पता करने के लिए आपको यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा, कौन से डेट में आप फॉर्म को सबमिट किए थे, तो वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे हम ही जमा किए हैं तो 13/2/2021 है, तो हम यही डेट रहने देते हैं। डाटा पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जो आज के डेट में फॉर्म जमा किए हैं वो यहाँ पे आपका आ चुका है और यहाँ मेरा जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ चुका है। यहाँ पे सबमिट जो हम जो भी डेट में किए हैं वो आ चुका है और ड्यू डेट है जो मैं कब तक मेरा सबमिट जो फाइनल या अप्रूव हो जाएगा वो डेट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट स्टेटस, इस पर आपको एंट्री डेट पर दिवाली वाले डेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये बॉक्स में आपका पूरा जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पूरा यहाँ फॉर्म यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ चुका है, यहाँ पे आपका सर्विस आ चुका है, यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे आपका जो भी नेम है आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी फॉर्म का स्टेटस है उसको अपना स्टेटस आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो भी फॉर्म जमा किए हैं उसका स्टेटस क्या है। तो गाइस इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप जो फॉर्म सबमिट किए हैं उसका स्टेटस क्या है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से बिहार विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।